Ladies and gentlemen, the hero of my life, presenting to you my chakla vele. Hi guys, welcome back to my channel. तो आज हम लोग कर रहे हैं shifting. तो हमें दो दिन दे रखे हैं वैसे shifting करने के. पूरा सारा मेरा पूरा room फैला हुआ है because I have to pack all these things और इनको bag में रखना है और फिर दूसरी साइड शिफ्ट करना है. बहुत सारा काम करना है. तो चलो लेट्स स्टार्ट. एक बैग मैंने ले लिया है अपने साथ और बस चलते हैं और दिखाते हैं अपना दूसरा रूम जहां हमें शिफ्ट करना है. ओह माय गॉड, बाय एवरीवन. कहां जा उसने खुद एक YouTube चैनल बोलना होता है. तो मेरा YouTube चैनल भी है, प्लीज प्लीज फॉलो. लेट्स स्टार्ट. कुछ इस तरीके से है और बहुत अंधेरा हो गया अभी बहुत ज़्यादा. दिस इज आवर न्यू हॉस्टल, सो इट्स माय रूम नाउ. और ये है मेरा रूम. ये मैं पहले बैग लेके आ चुकी थी. ये है चेयर, ये फॉर्म मुझे फिल करना है. ये है मेरे भगवान जी और ये है मेरा मिरर. और सबसे बेस्ट चीज ये है मेरी बालकनी. आई हैव गॉट अ बालकनी, यस बेबी. मैंने अपना ये वाला बैग खाली कर लिया है और आई एम स्वेटिंग बिकॉज यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत गर्मी है. और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ स्पेशल. हाय कनामा, तो लोग आना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे बिकॉज वी हैव टू वेक इट. हेलो, हाय सपना, हाय लक्ष्मी. इट्स नाइट टाइम एंड आई एम स्वेटिंग मैन बिकॉज यहाँ बहुत बहुत ह्यूमिडिटी है और सब लोग बैग वैग रख रहे हैं. तो अभी मैं वापस जा रही हूँ अपने रूम में. कह रही थी ना सब लोग शिफ्टिंग विफ्टिंग कर रहे हैं. आई विल मिस माई रूम यार. मेरा अब वो वाला हॉस्टल हो जाएगा वहाँ पर एंड आई विल मिस माई रूम बिकॉज अच्छा था बट लेकिन आई हैव टू ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम देयर टू देयर और वहाँ उस साइड को आई हैव टू क्रॉस दैट वन एंड फ्रॉम देयर ऑन आई हैव टू गो. तो मुझे ये पूरी रोड क्रॉस करके जानी पड़ती थी और उसके बाद तो मतलब लगा लो 10 मिनट तो आराम से लग जाते थे मुझे यहाँ पहुँचते. तो ना आई एम फीलिंग गुड कि ये मेरा बहुत पास हो जाएगा कि वहाँ से मैं आऊँगी एंड मेरा बहुत पास हो जाएगा ये. चलो लेट्स गो. बहुत गर्मी है यहाँ, जो मैं शायद थर्ड टाइम बोल रही हूँ कि यहाँ बहुत गर्मी है. और मेरा बस यही प्लान है कि आज पूरी रात मैं एटलीस्ट जब तक मैं जगी हुई हूँ या जब तक मैं ठीक ठाक से हालत में हूँ तब तक मैं सारी शिफ्टिंग कर लेती हूँ. जो बाकी का सामान बचेगा वो मैं कल रखूँगी. व्हाट माय हॉस्टल वाज एंड दैट वाज माय रूम. अब हम जा रहे हैं वहीं वाले पे. तो बैक टू आवर हॉस्टल, लेट्स गो. सेकंड फ्लोर हो गया है रेडी की बैंड बजी पड़ी है. अभी बिल्कुल फैला हुआ है. इस वाले ब्रीफ केस में रखना है सारा सामान और मैं और भी निकालूंगी. मेरे पास बहुत सामान है, बहुत सामान है. तो आज है डे टू ऑफ शिफ्टिंग. तो मेरे 3 बैग्स वैसे ही जा चुके हैं पहले, अब मुझे 3 बैग्स और रखने हैं. सामान संभालना है, सफाई करनी है, सब कुछ सेट करना है. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगी, पता नहीं कैसे होगा, इतना सारा चीज़ है अभी. तो चलो करते हैं. जय माता दी, लेट्स रॉक. ये मेरे बैग्स हैं रेडी, लेट्स गो. हाय गाइस, वेलकम बैक. तो मैं तो बहुत थक चुकी हूँ आज बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने 3-4 बैग्स रख दिए हैं. अब भी बहुत सामान है मेरे पास तो मुझे बहुत सारा सामान अपना वहाँ के पटकना है. तो आई हैव टू जस्ट बाइंड दिस अप एज फास्ट एज सून एज पॉसिबल. मैं थक चुकी हूँ, मेरे काले काले घेरे भी आ गए हैं इतने ज़्यादा, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कि मैंने कैसे रखूँ पर मुझे रखना पड़ेगा. थक गई यार मैं. कैसे करते हैं लोग शिफ्टिंग, कैसे एक जगह से ऐसे इतना सामान पहुंचाते हैं भैया,
ओह मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई है। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया है सिर्फ शिफ्टिंग के अलावा, और मैं कुछ भी नहीं किया अभी, मेरा पूरा अभी बहुत कुछ है रखने को, और पूरा मेरा अलमीरा भी आधा भरा हुआ है। मेरे पास इतना सामान कहाँ से आया मुझे तो खुद भी नहीं पता, मैंने तो इतना सामान ख़रीदा भी नहीं है। तो बस अब ये सब लेकर के जाना है सब कुछ, उसके बाद वहाँ जाके सारा सामान सेट करना है। कैसे करूँगी मैं, ठीक है कर लेंगे, करेंगे आराम आराम से करेंगे। आज सैटरडे है तो आज सारा काम मैं यही करती हूँ शिफ्टिंग का, ताकि आराम से कल संडे अपना काम भी करूँगी और सब कुछ सेट भी और करना ही है सेट, वैसे कल सेट भी करूँगी सारा बैठ करके, और सबका जितना भी है सब कुछ प्रॉपरली उनको ठीक ठाक करूँगी। तो अभी तक मैंने यही सोचा हुआ है, बट अभी मैं 2 घंटे सोऊंगी। तो बाय बाय टू दिस रूम एंड एवरीथिंग इज सेट एंड रेडी नाउ, एवरीथिंग इज डन, टाटा। हे गाइस, तो फाइनली शिफ्टिंग डन, और जैसे आप लोगों को लग रहा होगा मेरी शक्ल से कि मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये है पूरा मेरा रूम, वही गेटअप मैंने रखा हुआ है, बस 2-3 चेंजेस मैंने करे हुए, और अभी भी बहुत मेरा रूम फैला हुआ है, बट आई एम एक्चुअली क्वाइट टायर्ड नाउ। तो चेक आउट माई नेक्स्ट व्लॉग फॉर मोर सच वीडियोज़। ओके बाय।